श्वेता, कहाँ जा रही है श्वेता? मैं तुमसे तब से पूछ रहा हूँ कि धर्म भाभी इतनी टेंशन में कहाँ चले गए, पर तुम होके कुछ बताने का नाम ही नहीं ले रही हो। तुम्हें मेरी कसम है श्वेता, हमने प्रॉमिस किया था ना कि शादी के बाद एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे। बताओ ना, इतना क्या सोच रही हो? कौन किससे भीख मांगने की बात कर रहा था? ये तो हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। कैसे बताऊं इसे कि अभी मेरा धरादी के पास जाना बहुत जरूरी है। अगर सबको सच पता चल गया तो मेरी जिंदगी में तूफान आना पक्का है। वो क्रिश, आज हमारी शादी हुई है ना, तो धरादी बस थोड़ा इमोशनल हो रही थी। बस वही मुझसे भीख मांग रही थी कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूं, तुम्हें प्यार दूं, हमेशा तुम्हारी केयर करूं। बस यही सब कह रही थी वो। तू भगोड़ी की बेटी को बुला, बुला उसको, वो समझाएगी मुझे। वो चक्कर ये है माँ के मैंने बिना किसी से पूछे नकली गहने बनवाए। तूने सेम टू सेम नकली गहने बनाए बिना मुझे बताए? तू क्या क्या क्या, क्या गेम खेल रही? धारा भाभी ऐसी है श्वेता, हमेशा अपनी खुशियों से पहले दूसरों की खुशियों के बारे में सोचती। देखो ना, मेरी खुशियों के लिए तुम्हारे सामने हाथ फैला दिए। मैं भी तुमसे प्रॉमिस करता हूं श्वेता कि नहीं मां, मैं कोई गेम नहीं खेल रही हूं। वो दरअसल घर में इतनी सारी चोरियां हो रही थी कि मैं डर गई थी मां। कुछ समझ में नहीं आ रहा था और तभी आइडिया आया कि क्यों ना नकली गहने बनवा दूं। सॉरी मां, बिना आपकी परमिशन के मैंने नकली गहने बनवाए। पर किस्मत देखो ना माँ, नकली गहने बनवाने के बावजूद भी असली गहने चोरी हो गए। वो तो अच्छा है माँ कि चोर पर मेरी नजर पड़ गई, वरना अनर्थ हो जाता। पर ये सब क्या बोल रही है पटरानी? नकली बनाए, असली ज्वेलरी, स्विमिंग पूल, अंडर वाटर, चेंजिंग सब गहना, और बहुत कंफ्यूजन है मुझे, है ना, ये सब सही नहीं लग रहा है। क्या है माँ? मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर करती हूँ। ओह नो, अगर धरादी ने सारी सच्चाई बता दी तो मेरा सारा प्लान फेल हो जाएगा। वो जब से आपकी तिजोरी से पैसे चोरी हुए है ना, तब से रिश्ता हर किसी पर शक करती फिर रही है। पर सच कहूं मां, आज अगर हमें गहने वापस मिले ना, तो सिर्फ और सिर्फ रिश्ता की वजह से। अगर ये इतना हो हल्ला नहीं करती ना, तो मुझे कभी आइडिया ही नहीं आता मां कि नकली गहने बनवाऊं मैं। थैंक यू, आज तेरी वजह से गहने वापस मिले। और सॉरी, मैंने तुझे अपना पूरा प्लान नहीं बताया, इसीलिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। I'm sorry. I love you, Dharati.
आई लव यू, आई मिस यू, आई किस यू, आई हेट यू सब खत्म हो गया हो तो घर चले सोमनाथ। है शाम हो गई। जी माँ, मैं फटाफट सारी तैयारियां करती हूँ। अब जब बिता करके लेके जा ही रही हो तो कम से कम ये बता दो कि इतना बड़ा झूठ क्यों बोला आपने। छोड़ना रशिता, जो बीत गया सो बीत गया, उस बारे में बात करके क्या फायदा। ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं भाभी, हमारे पास सबूत थे उसके खिलाफ, वो देवेन उसका कोई भाई भाई नहीं है। ये सब पता होने के बावजूद आपने क्यों झूठ बोला पूरे परिवार से। मैंने जो बोला वो झूठ नहीं था रशिता, जो तू अपने दिमाग में सोच रही है ना वो झूठ है। What do you mean? तो सुन, मैं वही आदमी जिसने श्वेता भागी थी, मैं श्वेता का एक्स बॉयफ्रेंड और चीकू का पिता हूँ। वो देवी नहीं था जिसने चीकू को किडनैप किया, वो रिशिता बार बार फॉरम का नाम ले रही थी ना, फॉरम और कोई नहीं देवी नहीं था। उसने कहा कि वो चीकू को एक ही शर्त पे छोड़ेगा, जब मैं उसे काकी के पैसे लेकर दूंगी। तुझे मजाक लग रहा है ये सब, हंसी आ रही है। हंसू नहीं तो और क्या करूं भाभी, इज दिस अ जोक। वैसे तो आपको किसके ऊपर भरोसा नहीं होता, पर अब किया है तो किस पे, श्वेता पे। उसकी सच्चाई मैं आपको बताती हूँ, श्वेता एक नंबर की झूठी और धोखेबाज लड़की है। श्वेता, मैंने उस लड़की की आंखों में सच्चाई देखी है, मैं नहीं मानती उस लड़की का भरी बरसात में उस हालत में मुझे सड़क पर मिलना, हॉस्पिटल में जानलेवा बीमारी से जूझना, ये सब ड्रामा नहीं हो सकता। श्वेता, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसने जो किया वो सही था, उसने हमारे घर में चोरी की, कृष्ण से झूठ बोला, झूठ बोलकर शादी की, सब गलत। रिश्ता उसने जो किया ना वो चीकू के प्यार में अंधा होकर किया। ओ, तो आप चीकू के नाम पे पिघली हो। मैं चीकू के नाम पे नहीं पिघली हूं रिश्ता, मैं बस ये कह रही हूं कि हमने उसे बुरे लोगों के साथ रहकर देख लिया है, तो क्या हम उसे एक मौका नहीं दे सकते हमारे बीच रहने का। मुझे विश्वास है वो अपना पास्ट उस देवेन को छोड़कर कृष्ण के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाएगी। अरे यार भाभी, अगर इतना विश्वास है उसके ऊपर तो बता दी थी ना पूरे परिवार वालों को सच्चाई, पर आपने ऐसा नहीं किया। और वो श्वेता, उसने भी कहानी आपको बताई, माँ को नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि आपको मनाना आसान है, अनजाने में ही सही भाभी, पर आपने पंड्या परिवार को तोड़ने की शुरुआत तो कर दी। बस कर रिश्ता। मुझे जो सही लगा मैंने वो किया, हाथ जोड़ती हूँ तेरे आगे, बात को रफा दफा कर और आगे बढ़। नहीं करूंगी रफा दफा, नहीं करूंगी, ये मेरे परिवार की बात है भाभी। ठीक है, घर में आना है ना, उसे रहना है ना, पर जब तक सबके सामने सच्चाई नहीं आ जाती ना, तब तक ये ज्वेलरी या तो आपके पास रहेगी या मेरे पास या तो माँ के पास रख देंगे। नहीं होने दूंगी मैं, नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। क्या करूं मैं इसका जिससे कि इसके मन से श्वेता के लिए गुस्सा खत्म हो जाए।